नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल। देखिए, जूलॉजी पहले बॉटनी स्पेशल के ढेर सारे क्वेश्चंस और पेपर खत्म कर लें, फिर जूलॉजी स्पेशल भी लेके आएंगे। तो जिन मित्रों का ACF एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्जामिनेशन, चूंकि GDC UP लगा हुआ है, उसके अलावा शायद राजस्थान का भी लगा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसके अलावा कई स्टेट में PGT, जैसे आपका हमें लगता है उत्तराखंड का लगा होना चाहिए, तो कई स्टेट का TGT लगा है, PGT लगा है। तो सब जगह भागने से अच्छा है कि बॉटनी के पहले सॉल्व करा लें कुछ, फिर एक साथ लेके आएंगे जूलॉजी के सॉल्व पेपर। ये इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इस समय आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ पेपर जरूर सॉल्व करें। 50 से 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपका PCS का है तो वो ACF में रिपीट होगा, ACF का है तो GICM रिपीट होगा। पता लगा PCS का GICM रिपीट हो गया, PCS का क्वेश्चन TGT में उठा के रख दिया गया, या PGT का क्वेश्चन हो सकता है PCS में कहीं रख दें, तो ये बहुत होता है। इसीलिए कहा जाता है उस सब्जेक्ट के समूल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का PCS का आप जो ओल्ड पेपर हुए हैं वो सारे सॉल्व कर डालिए, या TGT PGT, और आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या ACF एग्जाम तो सारे आप PCS के ACF के और आप वहाँ क्या जो इंटर कॉलेज के लेक्चर का एग्जामिनेशन उनके सबके सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा 40 से 50% तक क्वेश्चन रिपीट है। यदि आप रिपीटेड क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो समझ लीजिए आपका चयन किसी भी स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि अगर रिपीटेड क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 50% या 40-45 जो 50 हैं वो कन्फर्म हो जाते हैं, और बकाया जो आप तैयारी करते हैं उससे अगर सही हो गए, 100+ पहुँच गए, तो आपका होना बिल्कुल निश्चित है। 125 या 130 में अगर आप 100+ हो गए तो आपका होना निश्चित होता है। तो आप ओल्ड पेपर जरूर सॉल्व करिए, कहीं भी कोई भी पेपर मिले उस सब्जेक्ट का उसको सॉल्व करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा एक फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिन पे आप और हम आंसर पे इत्तेफाक ना रखें, तो उनके अगर आपको आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट्स करिएगा। चूंकि देखिए 100% ये होता है कि एक एक क्वेश्चन बार बार हम रीचेक नहीं कर सकते। अब इतना तो हमारे पास इतना टाइम रहता है कि किताब पलटो, किताब में ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन उसी क्रम में लिखे हैं। अब रिस्पिरेशन है तो पहले जाओ किताब ढूंढो किसमें रिस्पिरेशन मिलेगा, उस रिस्पिरेशन से उस किताब का अगर मान लो कन्फ्यूजन है तो जनरली जो दिमाग में सेट है वो तो हमने आंसर आपको बता दिया। बाय द वे अगर कन्फ्यूजन है तो किताब ढूंढो, फिर उसमें रिस्पिरेशन देखो, फिर रिस्पिरेशन में वो पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है, फिर दूसरी किताब देखो। तो इतना संभव नहीं हो पाता है, तो हो सकता है तो आपको अगर मालूम हो तो हमें भी आप बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करिए। आप किसी भी विधा के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ACF की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बॉटनी आप स्पेशलाइजेशन में ले रखा है, या आप GIC की तैयारी कर रहे हैं, LT की तैयारी कर रहे हैं, PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी भी स्टेट में बायोलॉजी का अगर पेपर है वहाँ बॉटनी पूछी जानी है, तो ये आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है, और इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो क्लोव ऑयल किससे निकाला जाता है बताइएगा। तो क्लोव ऑयल निकाला जाता है फ्लावर बड ऑफ साइजेजियम एरोमेटिकम से निकाला जाता है, जिसे लौंग का तेल कहते हैं। लौंग का तेल एज मतलब सुगंधित के रूप में यूज करते हैं, उसमें दांतों के दर्द में, मेडिसिन में आदमी यूज करते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है बड से। ध्यान रखिएगा लौंग क्या होती है, बड होती है, कली होती है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, वुड ऑफ सेंटेलम एल्बम, इससे चंदन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिक्स द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, तो बताइएगा। नॉस्टाक, एजिटोबैक्टर और क्लोस्टिडियम और माइक्रोसिस्टिस, तो इसका दो का सही आंसर क्या होगा, माइक्रोसिस्टिस। क्या है, माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन रस्ट स्पेशलाइज्ड हु ब्रॉट फेम द इंडियन बाय हिज रिसर्चेस वाज, तो ये आपको सिंह पांडे जैन में मिलेगा, और वो मिलेंगे केसी मेहता। जो केसी मेहता थे इन्होंने काम किया था, किस पे काम किया था, तो रस्ट पे काम किया था, उसका स्प्रे पे। इन्होंने बताया था कि जो
प्लांट्स हैं जो स्पोर हैं, यानी जो बेसिडियो स्पोर्स हैं, वो मूव करते हैं जाके पहाड़ों की तरफ, और पहाड़ों में बारवेरिस प्लांट पे जाते हैं, फिर उधर से जो इरोडो स्पोर्स होते हैं या पिकनीडियो स्पोर, वो वहाँ से चलते हैं खाली की तरफ। तो ये उन्होंने बताया था, किसने, मेहता ने। मुंडकर को तो सब आप जानते हैं, सक्सेना हो गए और बटलर। द बेस्ट मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज का बेस्ट कंट्रोल मेथड्स क्या है, तो वो है 4D, यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। रेजिस्टेंस वैरायटी आप अगर यूज करते हैं तो झंझट ही नहीं है रोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन कवक उपयोगी पाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो बताइएगा। तो ट्राइकोडर्मा विरुडी, ये तो कई बार TGT PGT की KVS में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ट्राइकोडर्मा विरुडी ये कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड है। विच आर द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएट द DNA रेप्लिकेशन, इनमें कौन सा एंजाइम है जो DNA रेप्लिकेशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है या प्रारंभ करता है। तो 6 का कौन सा आंसर है, 6 का आंसर है DRNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो कितने ATP का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज के जारण से। तो सही आंसर इसका क्या है, RNA पॉलीमरेज। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कितने होते हैं, तो 36 होगा, कहीं 38 भी दिया रहता तो कंफ्यूजिंग है, तो इसका आंसर हम मान लेते हैं 36 ATP, क्योंकि दो यूज हो जाते हैं इस वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द फोटोसिंथेसिस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में साइटोक्रोम यूज होते हैं, तो इसका आंसर आएगा आयरन। ए प्लांट ड्यू टू द MN डिफिशियंसी, तो MN डिफिशियंसी से क्या होता है, तो मटर का मर्स स्पॉट रोग होता है, तो ऑप्शन इसका भी सही होगा। पेरोक्सीसोम आर एसोसिएटेड विद, पेरोक्सीसोम तो फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित होता है, पेरोक्सीसोम और माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट तीन अंग भाग लेते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन, तो जो क्रेब साइकिल पाई जाती है माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलती है। विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैंची का काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा करता है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम कैंची का काम करता है। द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटीज, तो फैट से जो निकलता है वो एस्टिल कोएंजाइम ए। द फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व इन डी नोवो सिंथेसिस ऑफ एल्फा एमाइलेज इन द जर्मिनेटिंग बार्ले सीडीज, तो इसका ऑप्शन होगा बी जिब्रेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट मोबाइल इन द प्लांट मेटाबोलिज्म, तो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, आप इस पे कमेंट्स करिएगा सही आंसर क्या होगा, जरूर हमें कमेंट्स करिएगा, जो क्वेश्चन हम कंफ्यूज हैं उसको करिएगा, हो सकता है यही रखा हो एग्जाम में, तब क्या करेंगे। फॉर अमीनो ट्रांसफरेज द इसेंशियल कोएंजाइम इज, अमीनो ट्रांसफरेज द इसेंशियल कोएंजाइम कौन है, पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट। व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया से जो कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बी नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। C4 प्लांट NO3 एसिमिलेशन अकर इन, तो कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे, तो C4 प्लांट में NO3 एसिमिलेशन अकर इन बंडल ऑफ सीट, तो कहाँ पाया जाता है, बंडल ऑफ सीट में, ये आएगा आंसर। विच द फॉलोइंग इज द टेरेस्ट्रियल एल्गी, इसमें टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन सा है, तो फ्रिशियेला है टेरेस्ट्रियल एल्गी, कौन सा है, फ्रिशियेला जो है वो टेरेस्ट्रियल एल्गी है। फाइव फिंड ऑफ द ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज, तो बताएंगे, फाइव फिंड ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट, प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट में पांचवें सिरे पर होता है, तो पांचवें सिरे पर क्या होगा, तो 20 का आप सही आंसर भी दिए, तो बी होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय, तो वो कौन थे, मैक क्लिंटक,
बारबरा मैक क्लिंटक थे जो ट्रांसपोजन जीन्स के बारे में जिन्होंने जानकारी दी थी। इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द तो बैक्टीरिया था जो बैसिलस थ्रोमोजेनेसिस था उससे, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। स्पिंडल अपीयरेंस इन मेड अप ऑफ, तो स्पिंडल अपीयरेंस इज मेड अप ऑफ, तो बताएगा, तो इसका सही आंसर होगा 23 का सी, माइक्रोटिब्यूल्स। एट एनाफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस इन ए प्लांट ए ब्रिज एंड ए फ्रेगमेंट इज ऑब्जर्व, दिस इज बिकॉज द प्लांटा हैज, एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है, इसलिए है इस पादप में, तो बताएगा 24 का डी, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैज बीन रोल इन, सेनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन क्रोमोसोम पेयरिंग, तो 25 का आएगा क्रोमोसोम पेयरिंग, ये जायगोटीन में सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। डॉक्टर कैरी बी मुलस अवार्डेड टू द नोबेल प्राइज द केमिस्ट्री 1903 वर्क ऑन द, तो कैरी मुलस ने क्या दिया था अब बताएंगे, तो कैरी मुलस ने दिया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दी थी कैरी मुलस ने, पीसीआर, पीसीआर से क्वेश्चन बनता है काम क्या होता है, तो एम्पलीफाइंग करना। ए डबल स्ट्रैंड डीएनए मेजर 34 माइक्रोमीटर, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड पेयर विल बी प्रेजेंट इन इट, तो कितने पाए जाते हैं, तो 27 में का आंसर होगा 10 पेयर पाए जाते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ डीएनए सिक्वेंसिंग, डीएनए सिक्वेंसिंग को किसने डिस्कवर्ड किया था बताएंगे, तो इसका सही आंसर होगा 28 का डी, एफ सैंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज द ट्रांसक्राइब्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट, तो उसे क्या बोलते हैं बताएंगे, 29 का ए सेंट्रोमेरिक डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज ट्रांसक्राइब, निम्नलिखित डीएनए में से कौन आरएनए टेम्पलेट को ट्रांसक्राइब करता है, तो सेंट्रोमेरिक डीएनए। द एंजाइम एटीपेज इज प्रेजेंट इन माइटोकाइंडियल, एटीपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, 30 का, तो 30 का सही ऑप्शन होगा डी, इनर मेम्ब्रेन। द स्पीसीज इन विच द सक्सेसेस हैज बीन अचीव्ड इन राइजिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो धतूरा थिस्सा और इसको गुहा और महेश्वरी ने, तो ये क्वेश्चन बना है ध्यान रखिएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड नेचुरल डिवाइस ऑफ फॉर सेल पॉलिनेशन, तो वो क्या है, क्लिस्टोगैमी, तो वो है क्लिस्टोगैमी। द स्माइलेक्स जेलेनिका द स्टिप्यूल टाइप इस, स्माइलेक्स जिलेनिका का अनुपत का प्रकार होता है, तो वो कैसा होता है, तो 33 का सही आंसर आप बताइए, तो वो होगा सी टाइप, टेंड्रिलर। विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द डीनाइट्रिफिकेशन, तो उनमें से कौन सा है डीनाइट्रिफिकेशन करता है, तो 34 का ए स्यूडोमोनास। सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो जैंथोमोनास सिट्राई से होती है जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीन्स विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया लोकेटेड इन, तो जीन्स जो होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय, तो वो स्टैनले थे जिन्होंने टीएमबी को क्रिस्टलाइज किया था। हाउ मैनी थैलाकॉइड आर फाउंड इन द प्लास्टिड ऑफ रेड एल्गी सेल्स, तो इसका सही आंसर होगा क्या, 38 का, तो 38 का सही आंसर होगा डी, क्या होगा, 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके थैलाकॉइड में एक किसके प्लास्टिक में एक थैलाकॉइड पाया जाता है, तो वो अभी उससे पहले मैं बताया हूँ, तो आंसर था रेड एल्गी, इसको देखकर घुमा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेटोरियल रीजन द कनेक्टिंग द सेमी सेल्स ऑफ डेस्मिड्स, डेस्मिड्स और अर्ध कोशिकाओं को जोड़ने वाला मध्यवर्ती भाग क्या होता है, तो वो होता है इस्थमस, क्या होता है, इस्थमस के नाम से जानते हैं। विच आर द फॉलोइंग एल्गी एग्जिबिट द गैमेटिक म्यूसिस, निम्न शैवालों में किसमें युग्मकी अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे किसमें देखने को मिलता है, तो 40 का सही आंसर क्या होगा, तो 40 का सही आंसर आप बताएं, तो वो होगा बी, सार्गासम, क्या होता है, सार्गासम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफिक्स, तो वो है एल्बिगो कैंडिडा। कितने क्वेश्चन है, चलो इनको और भी हम बता देते हैं। द फर्टाइल लेयर बियरिंग द स्काई एंड बेसिडिया नेम्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइमिनियम। क्या बोलते हैं, हाइमिनियम के नाम से जानते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पोरोफाइट इज द इंटरमीडिएट इन ग्रोथ, निम्नलिखित किसमें बीजाणुविद में अनिश्चित बाढ़ होती है, तो वो एंथोसिरॉस है। किसमें, एंथोसिरॉस। द स्फैग्नम द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपनेस्टेटिंग द एब्सेंस ऑफ सीटा इज नोन एज, स्फैग्नम के एक युग्मोद्भिद रचना जो सीटा की अनुपस्थित में पूरित करती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है आप बताएंगे, तो 44 का ऑप्शन होगा डी, स्यूडोपोडियम। क्या होगा, स्यूडोपोडियम। द इक्विसीटम स्टेम द कैविटी फॉर्म द डिसोल्यूशन द प्रोटोजाइलम इज नोन एज, इक्विसीटम के तने में प्रोटोजाइलम के गलन के कारण उत्पन्न गुहिका को क्या बोलते हैं, तो वैलिकुलर कैनाल बोलते हैं कि और कुछ, तो 45 का है क्रैनियल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैनियल कैनाल के नाम से जानते हैं। Which of the following is a heterosporous fern? तो इसमें heterosporous कौन है, तो Marsilia जो है। निम्नलिखित तो कौन एक heterosporous fern है, तो Marsilia जो है वो एक heterosporous fern है, तो ऑप्शन क्या होगा, Marsilia। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसमें हमने अति महत्वपूर्ण और थोड़े से जटिल प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जिससे आप चाहे GIC हो, LT हो, GDC हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रॉपर आपके लिए अच्छा हो। ये सारे जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं का ये संकलन है। इसी के साथ नमस्कार।